गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस न्यूट्री ग्लो स्किन वाइटनिंग फेशियल किट का रिव्यू जो है मैं आप लोगों से देने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार शेयर करना चाहूँगी गाइस कि मैंने जो है अपना इंस्टाग्राम पर द वार्ड्रॉप के नाम से जो है एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर जो है ओपन किया है, अभी न्यूली ओपन किया है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी गाइस मुझे आप वहां जा कर के फॉलो करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि अभी नया नया ओपन करा है। तो आई नीड योर सपोर्ट। तो गाइस वहां पर जो है आपको सब कुछ मिलेगा, कपड़े से लेकर के मेकअप प्रोडक्ट, हेयर एक्सेसरीज और जो कुछ भी है सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल है। तो आपको मैं उस द वार्ड्रॉप की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो एक बार ज़रूर जा कर के चेक कीजिएगा गाइज और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हो कि ये न्यूट्री ग्लो का जो फेशियल किट है मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर लिया है क्योंकि इंडिया से लेकर के आई हूँ तो मुझे इसे अनबॉक्स करना पड़ा। तो ये आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें आपको एक फेशियल किट में मिल जाती है, टोनर, क्लिंजर, सीरम सब कुछ इसमें जो है मिल जाता है। और इस न्यूट्री ग्लो का ये जो फेशियल किट है बहुत सारी रेंज में आता है और बहुत सारे मतलब गोल्ड फेशियल भी आता है, चॉकलेट फेशियल भी आता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र भी चलते हैं। तो आप ज़रूर एक बार जा कर के चेक कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक 5 स्टेप जो है प्रोसेस है, इसमें अच्छी खासी आपको जो है कम रेंज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब कि स्क्रब मिल जाता है, फेस पैक मिल जाता है, मसाज जेल मिल जाता है, मसाज क्रीम मिल जाती है और इसके साथ साथ आपको जो है एक टोनर भी मिलता है, टोनर के साथ आपको एक फेशियल ऑयल भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे जो है आपको एक फेशियल किट जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या है और इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये है फर्स्ट स्टेप इस फेशियल किट का, जिसमें कि आपको स्किन वाइटनिंग क्लिंजर मिलता है जो कि सभी टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। इसे आप देख सकते हो, मैं आपके सामने ही ओपन कर रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा लूँगी अपने फेस में, अच्छे से इसे लगा करके फेस को जो है क्लीन कर लूँगी। तो इस तरीके से क्लिंजर को लगा करके अपने फेस को जो है मैं क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है एक वाइप्स की हेल्प से इस तरीके से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैं फेस में जो है स्टीम करूँगी, उसके लिए मैंने लिया है एक जार में गर्म पानी, मतलब कि थोड़ा सा गर्म पानी है जिससे कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ अपने फेस में, और एक टॉवल की हेल्प से जो है अपने फेस को ढक करके इस तरीके से इसमें स्टीम लूँगी। यदि आपको जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है तो इस स्टेप को जो है आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। स्टीमिंग जो है आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए और जो है क्लियर स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चाहें तो स्टीमिंग के लिए स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने स्टीम ले लिया। इस किट में जो है सेकंड स्टेप में है स्क्रब, बट उसके पहले जो है हमने स्टीमिंग ली है जिससे कि हमारे पोर्स जो हैं फेस के अच्छे से ओपन हो गए हैं तो स्क्रब भी बहुत अच्छे से काम करेगा। वाओ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो मैंने थोड़ा सा जो है स्क्रब अपने हाथों में ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ठंडा पानी इस तरीके से अपने फेस को जो है स्क्रब करूँगी। तो गाइस स्क्रब जो है आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना चाहिए। ये मैंने वीडियो जो है फॉरवर्ड किया है इसलिए फास्ट दिख रहा है, बट मैंने बहुत ही हल्के हाथों से किया है। तो इसे जो है 5 से 10 मिनट बस इस तरीके से मैं स्क्रब करूँगी अपने फोरहेड पर, नोज़ के पास इस तरीके से स्क्रब करने के बाद अपने फेस को जो है वॉश कर लूँगी। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। थर्ड स्टेप में हम अप्लाई करेंगे जेल इस तरीके से, थोड़ा सा जेल लेकर के
अपने फेस में 5 मिनट के लिए इसे मैं रब करूँगी, जस्ट अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा मसाज करूँगी और उसे जो है अच्छे से ड्राई होने दूँगी। इस तरीके से अपनी आई एरिया पर अच्छे से मसाज करें। जेल से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब जो हमारा 4th स्टेप है उसमें दिया है हमें एक क्रीम, मसाज क्रीम है, जिससे मैं इस तरीके से अपने पूरे फेस में लगा रही हूँ। और इसमें हमें जो है जो सीरम भी मिला है उसे थोड़ा सा ले करके मैं इस तरीके से अपने हाथों में सीरम लूँगी, और इसमें जो हमें टोनर मिला है उसे इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करके अब मैं जो है मसाज क्रीम को इस तरीके से अपने फेस में मसाज करूँगी। तो बस हल्के हाथों से ही मसाज कर रही हूँ अभी। बट गाइस, जो फेशियल होता है उसका मेन स्टेप होता ही है मसाज। तो मसाज जो है आपको थोड़ा सा हाथों को इस तरीके से दबा करके, मतलब कि थोड़ा सा टाइट हाथों से जो है आपको मसाज करना चाहिए। इससे जो है आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा होता है, जिसकी वजह से ही आपके फेस में जो है ग्लो आता है। तो मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसके लिए कम से कम आपको 10 से 15 मिनट जो तो ज़रूर देने चाहिए मसाज के लिए। तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अब मैंने ऊपर की तरफ इस तरीके से मसाज किया है और फिर उसे एक वाइप्स की हेल्प से जो है क्लीन कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा ग्लो जो है मेरे फेस में दिख रहा है मसाज के बाद। अब हमारा जो 5th स्टेप है वो है फेस पैक का। तो मैं अपने पूरे फेस में जो है फेस पैक लगाने से पहले थोड़ा सा मैं टोनर को इस तरीके से स्प्रे कर लूँगी। अब इसके ऊपर ही मैं फेस पैक लगाऊँगी। तो इस तरीके से एक थिक लेयर जो है अपने फेस में मैं अप्लाई करूँगी और इसे जो है अच्छे से ड्राई हो जाने दूँगी। ड्राई होने के बाद इसे आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। पैक के ड्राई होने के बाद मैंने फेस को वॉश किया है, आप देख सकते हो एक अलग ही ग्लो जो है मेरे फेस में आ रहा है। और पहले से आप, यदि आपने फर्स्ट से वीडियो देखा है तो आप जो है डिफरेंस अपने आप ही जो है देख पा रहे होंगे कि पहले कैसा फेस था मेरा और अभी थोड़ा सा जो है क्लियर और ग्लोइंग दिख रहा है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी उसी का टोनर जो उसमें मिला है, न्यूट्री ग्लो का टोनर। तो इसे इस तरीके से स्प्रे करूँगी और इसे ड्राई हो जाने दूँगी। बोलना चाहूँगी कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है स्किन वाइटनिंग फेशियल किट, तो भाई मैं एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी क्रीम जो है आपको काले से गोरा नहीं कर सकती और गोरे से जो है काला नहीं कर सकती। बट एक चीज़ है कि इस फेशियल किट में जो है अच्छी खासी आपको जो है अमाउंट मिल जाती है, बहुत सारा क्रीम मिल जाता है जिसे जो है आप 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो और बहुत कम रेंज में जो है आपको ये फेशियल किट जो है आपको लोकल मार्केट में भी ये अवेलेबल है और आप ऑनलाइन लेना चाहें तो भी आपको ये वहाँ मिल जाता है। फिर मैं ये इसका जो सीरम है वही अप्लाई कर रही हूँ अपनी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करने के लिए। तो हल्का सा ऐसा ले करके इसे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस में इसे अप्लाई कर लूँगी। तो गाइस, यदि आप जो है कम पैसों में एक अच्छा सा फेशियल किट चाहते हैं तो आप इसे जो है ज़रूर यूज़ कर सकते हैं और ये सभी टाइप की स्किन के लिए जो है सूटेबल है। बहुत ही अच्छी फेशियल किट ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको भी इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिलेगा। और आप यदि इसे बाय करना चाहते हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी और आपको फ्लिपकार्ट में भी ये अवेलेबल है तो उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो आप जो है प्राइस को कंपेयर करके आपको जहां से बाय करना हो आप वहां से कर सकते हो गाइस। और मैंने जो है इंस्टाग्राम का भी न्यू ओपन किया है अकाउंट, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिएगा।
तो इन सब की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये फेशियल किट तो बेस्ट है कम रेंज में, और 3 से 4 बार जो है आप इसे यूज़ कर सकते हो, और इसका रिजल्ट भी आपके सामने ही है, आप खुद ही देख सकते हो। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी होगी। यदि हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। उससे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकॉन दबाने के बाद जो है आजकल एक नया ऑप्शन आने लगा है, तो उसमें से ऑल में जो है टिक कीजिएगा, ताकि मेरे जो वीडियो के सारे अपडेट्स हैं आपको मिले और मेरा कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।